नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पे। दोस्तों अभी हम फिल्म सिटी से होके आ गए हैं और एक कार हम लोग रेंट कर रहे हैं क्योंकि वो हमें घुमाए। तो यहाँ से हम जाने वाले हैं बांद्रा वर्ली में, एक बीच बना है, मतलब समुद्र में एक ब्रिज बना है, उसी को देखने जाएंगे। तो आप ये देखिए, मैं यहाँ के वीडियो बना रहा हूँ। उस समय जो वीडियो बनाया था तो कार के अंदर से बनाया था, लेकिन अभी क्या हम लोग पैदल चल रहे हैं ऑटो करने के लिए। तो आप देख सकते हैं दोस्त लोग ऑटो कर रहे हैं और मैं वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ जितने भी बिल्डिंग है, आप ये देखिए कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है। हमने कार किया है और अब हम इसमें बैठ रहे हैं और अब हम जाएंगे बांद्रा वर्ली सीलिंग, मतलब समुद्र में एक ब्रिज बना है, उसको देखने के लिए। तो दोस्तों आप लोग बने रहिए मेरे साथ वीडियो पर। मैं आप लोग को बॉम्बे नगरिया का जो बिल्डिंग बना हुआ है व्यूज वो आपको दिखाता हूँ और उसके बाद फिर हम लोग पहुँचेंगे बांद्रा वर्ली सीलिंग के पास। तो आप लोग बने रहो मेरे साथ। दोस्तों ये है शिवाजी टर्मिनल, मतलब बॉम्बे का एयरपोर्ट। और दोस्तों ये देखिए कितनी ऊंची ऊंची इमारत है यहाँ। देखने में ऐसा लगेगा जैसे हम मॉडल बनाते हैं ना, वैसा मॉडल बना हुआ लग रहा है, लेकिन ये सारी चीज़ें हकीकत में हैं कि इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनी हुई है यहाँ। इस बिल्डिंग को देख के ऐसा लगता है कि इसका नींव कितना मजबूत होगा, क्योंकि आंधी तूफान बरसात सारी चीज़ें इतनी ऊंची इमारत कैसे छेल लेते होंगे। अब इसको बनाने वाले इंजीनियर लोग भी कैसे बनाए होंगे इसको सोच के ही थोड़ा मुझे अजीब सा लगता है कि इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग और आंधी तूफान बरसात सारी चीज़ें छेल लेती हैं। अब दोस्तों हम ब्रिज के पास आ गए हैं और आप ये देखिए ब्रिज का सुंदर नज़ारा। ये ब्रिज के लगभग हम लोग सेंटर पॉइंट पे आ गए हैं, मतलब बीच पे। और ये ब्रिज का बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा दिख रहा है और आपको मैं साइड से भी वीडियो दिखाने की कोशिश करता हूँ। और दोस्तों ये देखिए ब्रिज के साइड का सीन जो कि बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। यहाँ टू व्हीलर अलाउ नहीं है, सिर्फ फोर व्हीलर ही जाता है। टू व्हीलर अगर जाता है तो उसको जाने नहीं देते। और ये देखिए जिस कार पे मैं हूँ उस कार के अंदर का नज़ारा, गाड़ियाँ काफ़ी तेज चलती है यहाँ। तो दोस्तों ये था बांद्रा वर्ली सी बीच और इसके बाद हम लोग जाएंगे मरीन ड्राइव को देखने के लिए। तो दोस्तों यदि आप यहाँ नहीं आए हैं तो एक बार ज़रूर आइए, और यहाँ बॉम्बे आते हैं तो बांद्रा वर्ली सी बीच को ज़रूर देखिए। तो आप लोग बने रहिए, इसके बाद हम लोग पहुँचेंगे मरीन ड्राइव बीच पर।